नमस्कार बच्चों, कल आपको कैलेंडर टॉपिक में पढ़ा रहा था। मैं अशोक यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आरबी क्लासेस में। तो बच्चों, कोविड चल रहा है, आप लोग बहुत आराम कर रहे होंगे, चीज़ें आपके 7-8 महीने से लगभग आराम कर रहे हैं तो स्किप होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन मेरा एक सजेशन है, आप लोग जल्दी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम आपका आने लगेगा करीब, तो थोड़ा मुश्किल होगी। तो जो बच्चे हमारा पुराना वीडियो नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं, जो नए हैं मैं जहाँ पे कल मैंने छोड़ा था वहाँ से मैं एक थोड़ा सा रिवाइज लेके चलूँगा, ताकि जो नए जुड़े उनको भी समझ में आता रहे। चलिए, तो कल हम लोग चेंज इन डेट एंड मंथ पढ़ रहे थे, यहाँ पे थे, और इसी टॉपिक से हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर कम हुआ था, क्योंकि थोड़ा सा मिसप्रिंट होने की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी एक दो क्वेश्चन में। तो आज इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं अपने रूल्स को। और आप लोग अगर आप लाइव रहते हैं तो एक चीज़ का ध्यान दिया करिए कि हम लोग रात भर जग कर आपके लिए मेहनत करके ये सारा कुछ बनाते हैं, और इसमें कोई आपसे फ़ीस भी नहीं ले रहे हैं, कोई चार्ज भी नहीं है। तो कम से कम लाइक आप कर दिया करिए, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट्स भी करें, कमेंट्स आप लोग करते रहा करें, ताकि इससे ये पता चलता है कि आप जुड़े हुए हैं और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं, और हमारी जो मेहनत है उस पर आप लोग ध्यान दे रहे हैं, तो हमें खुशी होती है। कुल मिला के आपका लाइक, शेयर और कमेंट्स, यही हमारी फ़ीस है। तो आपको फ़ीस नहीं देनी है, तो कम से कम इतना तो आपको करना ही चाहिए। चलिए, अब हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इस टॉपिक को ले लेते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात इतनी सी ही है। देखिए, कह रहा है कि राम का जन्म 5 मई सन 2020 को हुआ तथा रमेश राम से 4 दिन छोटा है। यदि रमेश का जन्म उसी वर्ष में हुआ और यदि गणतंत्र दिवस इस वर्ष शनिवार को पड़ रहा हो, तो बताइए रमेश का जन्म किस दिन हुआ होगा। तो गणतंत्र दिवस तो मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब यहाँ पे 26 जनवरी की बात हो रही है, इनडायरेक्ट डेट है ये, आपको मैं फिर से नहीं बताऊँगा, आप लोग समझदार हैं। यानी कि जो डेट पूछना चाह रहा है, जो दिया हुआ है, गिवन है 26 जनवरी की डेट, वो दिया हुआ है। अब मैटर तो वो तो नहीं है, मैटर यहाँ पे बड़ा छोटा का है। चलिए, इसको भी पहले ध्यान से देख लेते हैं। अगर कोई बड़ा कह रहा है, छोटा कह रहा है, तो इसका क्या मतलब? देखिए, बहुत ही सीधा सा फंडा है, अब इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद चलेंगे, चूँकि सारी गलती यही आप करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई अगर 4/2/2020 को पैदा हुआ है, तो कोई बच्चा उससे कह रहा है कि 2 दिन बड़ा है। बड़ा का मतलब क्या होगा? आगे आप 6 तारीख को तो पैदा करोगे नहीं, इसको आपको 2 तारीख को पैदा करना पड़ेगा, तब ये जाके इससे बड़ा होगा। तो यहाँ पे सीधा सा फंडा आपको यही लगाना है कि अगर वो बड़े की बात कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे छोटा की बात कर रहा है, कोई बात नहीं, बड़े की बात कर रहा है, तो मतलब जो है पहले होगा, पहले पैदा होना पड़ेगा उसे, तब जाके बड़ा बनेगा। और यदि अगर छोटा है, तो आप उसे बाद में मानिए कि वो बाद वाली तारीख पे पैदा हुआ होगा, तब जाके वो मामला सेटल होगा। तो यहाँ इसका अपोजिट समझ के चलिए, बड़ा मतलब पहले, छोटा मतलब बाद, बस इतना ही आपको करना है। समझ गए? अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि यहाँ आप गलती कर देते। हालांकि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, इसके 4 दिन बाद रमेश का जन्म होगा, तभी वह उससे छोटा होगा राम से। समझ गए आप बात ना, कि जो डेट पे पहले अगर कोई पैदा हुआ है, तो वो उसके बाद ही डेट पे पैदा होगा, तभी तो छोटा होगा। डेट ऑफ बर्थ तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको डेट ऑफ बर्थ भी निकालना बताऊँगा, मिसलेनियस में आगे आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। चलिए, अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन ये बन गया, देखिए अब क्या क्वेश्चन बन गया कि 26/1/2020 को शनिवार है, तो 9/5/2020 को क्या होगा? जो बच्चे प्रीमियम में लाइव रहेंगे वो थोड़ा सा प्रयास करेंगे इसको, जो कल हमारी क्लास में जुड़े थे। जो नए हैं, बाद में भी वीडियो देख रहे हैं, तो आप पॉज करके अगर आपको आता है तो एक बार आप ज़रूर कोशिश करा करिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो इन्फ्लुएंसी है वो बढ़ती रहेगी,
आपको अगर आता है तो अच्छे से आप करेंगे और जितना प्रैक्टिस करेंगे, चूँकि एग्ज़ाम में एक चीज़ आप लोग को पता होगा कि जैसे जैसे दो चार नंबर जो हमारा रुकता है इसी वजह से रुकता है कि हम लोग प्रैक्टिस कम करते हैं। चलिए बातें कम पढ़ाई ज़्यादा। चलिए अब यहाँ पर इसको आप मिटा देते हैं। क्वेश्चन को कैसे करना है आप देखिए, यहाँ पे समझिए इस बात को, इसी डेट को आपको निकालना है। कल ये हम आपको बता चुके हैं, जो नए हैं वो भी बता दे रहे हैं। देखिए पहले महीने में आप 26 तारीख तक, वो समय निकल चुका है, तो पहला महीना अगर 31 दिन का है जनवरी, तो उसमें अगर हम 26 दिन बिता चुके हैं तो बचा कितना दिन है, 5 दिन। आपको 5 दिन यहाँ पर लिखना पड़ेगा। चलिए पहले महीने में शेष जो दिन है वो 5 दिन है, हमने लिख दिया। अब इसके बीच के महीने कौन कौन से हैं, यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा, ये मैं आपके सिर्फ समझने के लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो पाए, जो नए लोग हैं वो भी समझ सके, क्योंकि इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसीलिए लिख रहा हूँ कि ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आता रहे। चलिए अब यहाँ पर दूसरा महीना, हमने आपको कल एक बात बताई थी कि जब लीप वर्ष होगा तो वो किससे कटेगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये बात मैं आपको कल बता चुका हूँ। अब देखिए 2020 का मामला है, 4 से कट ही जाएगा, आखिरी के दो डिजिट आपको देखना होता है। तो जब 4 से डिवाइड हो रहा है तो यानी कि फरवरी 29 की होगी, और जब 29 की होगी तो 7 से अगर हम भाग देंगे तो इसमें शेषफल कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो आपको 0 नहीं लिखना है, 0 तब लिखते जब समान ईयर होता, तो यहाँ पर 1 हमने फरवरी का हिसाब किताब कर दिया। अब तीसरा और चौथा महीना, हमें पता है, हमने यहाँ पे शॉर्टकट आपको बता दिया था कि 30 का महीना है तो शेषफल हमें 2 लेना है, अगर 31 का महीना है तो शेषफल 3 लेना है, क्योंकि 30 और 31 के ही ज़्यादा महीने होते हैं, तो हम पूरा 31 हमेशा 30 हमेशा काट के देखेंगे नहीं, यहाँ पे सीधा डायरेक्ट लिखेंगे। तीसरा महीना हमारा मार्च का होता है तो 3 दिन यहाँ पर लग जाएगा। अब देखिए चौथा महीना भी हमको कोड पता है, 30 का होता है तो यहाँ पर 2 लग जाएगा, और हमें पाँचवें महीने में 9 दिन तक का समय चाहिए, तो 9 दिन का अगर हमें समय चाहिए, 9 दिन में अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 7 से, जैसे ही 7 दिन से ज़्यादा होते हैं आप लोग बिना सोचे उसको 7 से भाग दीजिए, 7 से कम वाले को ही लिखना है, शेषफल यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इसको 2 को और जोड़ दीजिए, यहाँ पर 5, 1, 6, 6, 3, 9, 9, 2, 11, 2, 13, 7 से भाग देंगे कितना बचेगा, 6। तो यहाँ पे देखिए आगे की तारीख है, तो हमने आपको कल ही बताया है कि प्लस करना है, पीछे है तो माइनस है, तो आगे वाला हम रिवाइज कर रहे हैं अभी। और वैसे भी देखिए कैलेंडर जो है पछवा, यानी कि आगे का कैलेंडर है, तो यहाँ पे प्लस 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार, यानी कि अब आपको जोड़ना नहीं है, सीधा सीधा आपको कैलकुलेट करना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, चूँकि 6 आप प्लस करेंगे तो उसके एक दिन पहले आएगा, चूँकि 7 दिन तो बराबर वही दिन आ जाता है। चलिए हमारे हिसाब से समझ में आ रहा होगा आपको, और आप लोग कमेंट्स भी करते रहिए, यस आर नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना आप कीपैड चलाइए मोबाइल पे, मैसेज अगर आप किसी से चैट करते हैं तो दिन भर करते हैं, एक टीचर आपसे कमेंट्स मांग रहा है तो बिल्कुल आप लोग करते रहा करिए, उसमें कंजूसी मत करिए, चूँकि जैसे जैसे आप कमेंट्स करेंगे बताएंगे कि हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसी हिसाब से हम मेहनत करेंगे, और आपको सफलता दिलाना ही हमारा लक्ष्य है। एक गुरु के लिए बस यही होता है कि उसका शिष्य सफल हो जाए, उसी में हमारी खुशी होती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे अब चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे की तारीख अब समझ चुके हैं आप लोग, पीछे की तारीख में बस दो ही चीज़ होता है, वो क्या होता है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। हालांकि जिसको दिक्कत आ रही हो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट में इसलिए आपको कह रहा हूँ कि अभी तो आप समझ ले रहे हैं, लेकिन चीज़ों को लंबे समय तक समझने के लिए आप अगर स्क्रीनशॉट लिए रहेंगे तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा, आप उसको फिर से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, नियम समझ में आ जाएगा। यहाँ तो मैं आपको समझा ही दे रहा हूँ, बाद में स्किप ना हो इसके लिए समझ लीजिए। देखिए पीछे वाली तारीख में नंबर 1 को ये ध्यान देना होता है कि वो हमेशा घटता है शेषफल, ठीक है। नंबर 2 क्या ध्यान देना होता है कि जो अंतर हम लोग लेते हैं हमेशा कम से ज़्यादा की तरफ लेंगे, आगे वाला कैलेंडर जब हम लोग सीखते हैं तो वो ऑलरेडी आगे रहता है, पहले पीछे का होता है उसके बाद आगे वाला निकालते हैं, लेकिन यदि अगर हम लोग
पीछे वाला कैलेंडर लेते हैं तो उसमें जो पहले वाली डेट होती है वो पीछे की तरफ होती है। इस बात का आप लोग ध्यान देना। कहने का मतलब जैसे यही सवाल हो गया कि अगर 3/10/2020 को शनिवार है तो 8/7/2020 को क्या आएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे देखिए ईयर तो सेम है लेकिन ये दसवां महीना और ये सातवें महीने की बात पूछ रहा है, तो कैलेंडर पीछे का हो गया। ठीक है, अब आप ऐसा मत करिए कि यहाँ से यहाँ डिफरेंस लीजिए, बिल्कुल ये गलत तरीका हो जाएगा। मैंने क्या बताया है, हमेशा कम डेट वाले से ज़्यादा डेट, बस इतना ध्यान रखना है आपको। और यही कॉन्सेप्ट आगे वाले कैलेंडर में भी है, क्योंकि आगे वाले में ऑलरेडी पीछे वाला कैलेंडर देता है तब आगे पूछता है, और इसमें जो है पहले पीछे वाला दिया है तो आगे वाला नीचे दिया होता है। बस यही आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए ऐसे कर लेंगे एरो, बाकी सारा प्रोसेस वही है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, सारा प्रोसेस वही है, कुछ भी अलग से नहीं करना है आपको। चलिए कोशिश करेंगे, कुछ लोग कोशिश करेंगे और आंसर बताएंगे हमें यहाँ पे। कोशिश करिए और आंसर बताइए। ठीक है, चलिए क्लियर कराते हैं आपको। जो लोग नए हैं बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन नए नए आपको अपडेट कराते रहेंगे और कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। समझ लीजिए आप लोग पेड बैच कर रहे हैं, A to Z, यानी कि जो चीज़ें शुरू से हैं। चलिए क्वेश्चन आप लोग करते हैं, हम लोग वही चीज़ है, बस क्वेश्चन स्टार्ट करिए। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो भी प्रयास करें, क्योंकि मैं रिवाइज करके चल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपको वही पुराना सब कुछ करना है, मैंने क्या कहा सब कुछ करना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे जो सातवां महीना है, हमेशा आप कम से ज़्यादा की तरफ कैलेंडर में जाएंगे, यहाँ पे ये बात देखना है आपको। सातवें महीने से दसवां महीने में जा रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे सातवां महीना 31 का होता है, यानी कि जुलाई। अब उसको अगर हम 8 दिन उसमें से हम निकाल दे रहे हैं, चूँकि 8 दिन आपका बीत चुका है, ये हम निकाल दे रहे हैं, तो इसमें बचता है हमारा 23। ठीक है ना, कोई गलती होगी तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा, कमेंट आप लोग करते रहा करें। यहाँ पे कितना बचेगा फिर रिमाइंडर से, इस पल 2 बचेगा, तो इस पूरे महीने में हमारे पास कितना दिन आ गया, 2 दिन। अब जो बीच वाले मंथ बचे हैं डायरेक्ट आपको कर लेना है, उसमें अब ज़्यादा अब हम लोग करेंगे नहीं काउंट, चूँकि 8वां महीना है बीच में, तो 8वां महीना फिर से आपका 31 दिन का आ जाएगा अगस्त, चूँकि जुलाई और अगस्त 31 का होता है। अगर किसी को ये भी नहीं पता है कि महीनों में कितना दिन होते हैं, तो आप लोग इसको ऐसे उंगलियों पर गिन सकते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जहाँ पे गड्ढे होते हैं वहाँ 30 या 30 का होता है, और जहाँ पे ऊंचाई वाला जगह होती है वो 31 होता है। ऐसे गिनना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ऐसे करके कंटिन्यू। ठीक है, तो जिसको नहीं आता है वो याद कर लेंगे, वैसे जनरली तो आपको आता ही होगा, हम ये मान के चलते हैं बेसिक चीज़ें। चलिए 8वां महीना 31 का होता है, तो जाहिर सी बात है जब हम 7 से भाग देंगे तो उसमें 3 बचेगा, बार बार भाग देने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद सितंबर फिर 30 का हो जाएगा, चूँकि बदलेगा महीना 30 का हो जाएगा, तो वहाँ पे 2 बचेगा शेषफल, उसको भी हम लिख दे रहे हैं। उसके बाद अक्टूबर 10वां महीना, यानी कि हमें इस मंजिल तक पहुँचना है, यहाँ पर पहुँचने के लिए हम सिर्फ 3 तारीख दूर हैं, यानी कि 3 दिन, तो 3 दिन भी ऐड कर लेते हैं, चूँकि 7 से कम है इसलिए ऐड कर लेंगे। तो 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10 सीधा 7 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर 1। ठीक है, शेषफल 1 आ गया, सॉरी 3 आ गया, 3 आ गया, ध्यान देते रहिए आप लोग, जहाँ पे गलती होती है बताते रहा करिए कमेंट्स में। तो यहाँ पे 3 हो गया। अब 3 पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, बस इतनी सी बात है। पीछे वाली कैलेंडर सीधा माइनस, कोई सोचना नहीं है, 3 दिन माइनस कर देंगे शनिवार में, तो क्या आ जाएगा बताइए फटाफट। यहाँ पे 3 दिन माइनस कर देंगे तो आपका शुक्र बृहस्पति बुध, बुध आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आप लोग प्रैक्टिस करिए। ये समझिए कि एग्ज़ाम बस आने ही वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आएगा तो आप तुरंत नहीं कर पाओगे चीज़ों को, और हम एकदम बेसिक से चल रहे हैं और एडवांस की तरफ जा रहे हैं, तो कोई क्वेश्चन आपको छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, पूरा का पूरा आप इसका फ़ायदा उठाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको चार्ज नहीं देना है, बस अपनी मेंटल एबिलिटी लगानी है,
प्राइवेट सेक्टर में हालत आप दिख ही रहे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब पे आपको फोकस करनी है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो कहीं ना कहीं मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अभी जो मैंने क्लियर कराया था बस उसी से रिलेटेड है। देखिए, यदि श्याम का जन्म 8 जून सन 2020 को हुआ है, जून मतलब क्या हो गया, छठा महीना, और 2020 ये डाटा हमारे पास है। उसके बाद में कह रहा है तथा करण श्याम से 4 दिन बड़ा है, तो हमने आपको बता दिया है बड़ा मतलब क्या, बड़ा मतलब यहाँ पे उसका अपोजिट, बड़ा का अपोजिट पहले, छोटा होता तो बाद में, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यहीं से सारा सिस्टम गड़बड़ होता है। तो यानी कि पहले हो जाएगा, 8 जून को ये हुआ है 4 दिन पहले, बड़ा मतलब 4 दिन पहले, 4 दिन पहले पैदा होगा तभी उससे बड़ा होगा। यहाँ तक ये डाटा क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। उसके बाद कह रहा है यदि करण का जन्म उसी वर्ष में हुआ हो और यदि स्वतंत्रता दिवस इस वर्ष शनिवार को पड़ रहा हो। देखिए फिर से इनडायरेक्ट क्वेश्चन, आपको परेशान नहीं होना है, अगर आप लोग अच्छे लेवल के एग्ज़ाम देंगे तो थोड़ा सा वहाँ पे रीजनिंग है तो घुमाएगा, यानी कि प्रश्न में भी प्रश्न, समझ रहे हैं ना, प्रश्न में भी प्रश्न। चलिए अब देखिए, बिना कंफ्यूज हुए आपको ये आपको मानना है, और डेट आपको जो दे दी है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, 15/8 कब पड़ रहा है स्वतंत्रता दिवस, इसी वर्ष में 2020 में। दिन कौन सा पड़ रहा है, शनिवार, स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, इसको मिटा देते हैं, चलिए मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ तक, फिर इसको मिटा देते हैं, स्पेस कम पड़ रहा है। चलिए हम लोग पहले पूरा लिख लेते हैं कहाँ पे है, 15 अगस्त 2020 को शनिवार है, तो यहाँ पे 4 जून 2020 यहाँ क्या होगा, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन का फॉर्मेट बन गया है, अब आप लोग फटाफट जवाब दीजिए, 30 से 40 सेकंड का समय है बिल्कुल। अगर आपको एग्ज़ाम में नंबर कोई दिलाता है तो रीजनिंग है, और अगर कोई नंबर काटता है तो वो भी रीजनिंग है, क्योंकि रीजनिंग अच्छे नंबर आपको दिलाएगी जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, नंबर काटेगी जब आप ऊपर ऊपर से करेंगे। चलिए फॉर्मेट बन गया है, कम वाला डेट से ज़्यादा वाला डेट, कॉन्सेप्ट बस यही आप पकड़े रहिए, बस कम वाला डेट से ज़्यादा वाला डेट। अब देखिए यहाँ पे छठा महीना, 4 दिन निकल गया है, कितना बचा है, छठा महीना होता है 30 का, यानी कि जून 30 का होता है, तो यहाँ पे 4 दिन निकल गया है, तो कितना बचा है, 26। अब उसे 7 से भाग देंगे तो शेषफल 5 लगेगा, उसमें हम लिख नहीं रहे हैं, उसको डायरेक्टली अब करेंगे। बीच में सातवां महीना पड़ रहा है, सातवां महीना कितने का होता है आपको पता ही है, जुलाई 31 की होती है, तो अगर 7 से भाग देंगे तो शेषफल 3। और अगस्त में 15 है, 15 को हम लिखेंगे नहीं, दिन को यहाँ पे कम कर लेंगे 7 से डिवाइड करके, शेषफल इसमें 1 लगेगा। अब इसी को ऐड कर लीजिए, 5 3 8 1 9 और 7 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 शेषफल लगेगा। और आपको पता है कि पीछे वाला कैलेंडर मतलब माइनस, अतिरिक्त दिन मतलब माइनस, यहाँ पे 2 माइनस, तो आपका आंसर क्या आने वाला है, बृहस्पति, बृहस्पतिवार। इतना प्रैक्टिस आपके लिए हमें लगता है कि काफ़ी है, अब आप लोग बुक से भी कुछ प्रैक्टिस करिए, जितना से जितना प्रैक्टिस कर सकें, जो नए लोग हैं वो भी प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए तो और ज़्यादा ज़रूरत है, जो पुराने लोग हैं जिनको आता भी है, 7 महीने से आप लोग छोड़े हैं, 8 महीने से पढ़ाई करके देखिए, मुश्किल ज़रूर होगी, तो आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, रेस में आगे निकलना है तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें कंजूसी नहीं चल सकती। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट अपना आपको जो पढ़ना है, चेंज इन डेट मंथ एंड ईयर।
इसमें तीनों में परिवर्तन होगा, ठीक है, तीनों में परिवर्तन होगा। और हम जैसा कि हर टाइप में आपको बताते चल रहे हैं कि आगे का कैलेंडर आपको निकालना है और पीछे का कैलेंडर, दो ही टाइप के कैलेंडर आपसे एग्ज़ाम में पूछ रहा है, तो आगे का कैलेंडर हमेशा प्लस होता है, पीछे वाला माइनस होता है। चलिए अब यहाँ पे सीधा सीधा एक सवाल हमने दिया है और हमने अभी आपको तारीख और दिन नहीं चेंज किए, तारीख और दिन हमने नहीं बदले हैं, उसको हम लोग अभी करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा अप्रोच समझ लेते हैं, इसको कैसे लगाएंगे। 15/8/2019 से 15/8/2050 सवाल यही है, 15/8/2019 को बृहस्पति है तो 15/8/2050 को क्या होगा, सवाल यही है आपसे। अब सवाल ये है तो सोल्यूशन भी करना होगा आपको, ठीक है, चलिए करते हैं। अब देखिए कम और ज़्यादा वाला कॉन्सेप्ट क्या था, अभी आपको मैंने बताया था कि कम, अब देखिए इसमें आगे की तारीख भले, लेकिन देखिए कम वाला कैलेंडर है 2019 और 2050, तो इसमें ऑलरेडी सीक्वेंस बना है। और अगर हम पीछे वाला कैलेंडर करते हैं तो पीछे से आगे जाते हैं, यानी कि जो कम वाला कैलेंडर होता है वो नीचे दिया होता है। बस इतना आप लोग ध्यान देंगे तो पूरा कैलेंडर सीख जाएंगे। अब देखिए 15/8/2019 से 15/8/2050, तो पहले आप खुद मत करिए, इसमें देखिए डेट और अगर महीना बराबर है तो सीधा सीधा पहले साल गिन लेते हैं कितना साल है। अब 50 में 19 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक और चार में से एक गए तीन, 31 साल आ गए पूरा पूरा। अब 31 तो आ गया, लेकिन लीप वर्ष भी इसमें निकालना होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि सामान्य वर्ष हमने गिन लिया, लीप वर्ष नहीं गिना, तो सामान्य वर्ष 31 लग गए, लीप वर्ष के लिए हमें क्या करेंगे, कोई टेक्निक आप। अब उसमें तो अगर हम लोग बीच में गिनते चलेंगे कि 20 है, 24 है, 28 है, तो समय बहुत लगेगा। अच्छा, इसके लिए एक तरीका हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो 2019 है इसके आगे पता करिए कि कब लीप ईयर पड़ रहा है, तो 2019 के बाद लीप ईयर कब पड़ेगा, 2020 में, जाहिर सी बात है 2020 में पड़ेगा। उसके बाद ये 2050 है, इसके बाद कब लीप ईयर पड़ेगा, 2052 में। अब यहाँ पे अंतर जोड़ लीजिए कितने का आएगा, 52 को ऊपर करके 20 नीचे कर दीजिए, मौखिक भी कर सकते हैं, ये तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी करा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको अच्छे से, बाकी से आप ओरली कर सकते हैं, एग्ज़ाम में ऐसे करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। 52 में से 20 घटाना तो आपको आता ही होगा, तो यहाँ पर 32 आ गया। अब ये 32 लीप ईयर नहीं है अभी भी, अब आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। अब लीप ईयर कितने आ गए, 8, तो देखो सामान्य ईयर ही हो गए, लीप ईयर इसमें ऐड कर देना है। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर लीप ईयर तो 2 दिन का होता है, आपने यहाँ पे एक ही लिखा है, तो आप ये गलती मत करना, चूंकि जो ये सामान्य ईयर है इसमें हमने लीप ईयर का एक दिन जोड़ रखा है, तो आप ऐसा मत करिएगा कि दोबारा इसको जोड़ दो, एक बार यहाँ पे एक दिन मैंने ले लिया है और एक्स्ट्रा वाले यहाँ मैंने लिख लिया है, तो पूरा कैलकुलेट हो गया, समझ में आ रहा होगा आपको। बस अब कुछ मत करना, आप 7 से भाग दे देना, 4 बजेगा, सॉरी 5 बार जाएगा, 7×5=35, शेषफल रिमाइंडर जिसको इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं, हिंदी में शेषफल, तो ये 4 बचेगा। अब आपको अच्छे से पता है कि 4 का क्या करना है, हमें 4 को हमें यहाँ पे जोड़ देना है। जब यहाँ पे 4 दिन हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, शुक्र शनि रवि सोम, तो यहाँ पे सोमवार हो जाएगा, ठीक है। तो अप्रोच बहुत सिंपल है, सामान्य वर्ष को आपको देखना है कितने का अंतर है, लीप वर्ष जोड़ना है, लीप वर्ष के लिए मैंने तरीका बता दिया। अब आप लोग, कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर मान लो वही वर्ष लीप वर्ष जैसे ये यहाँ पे 2050 ना हो के 52 हो जाए, जुड़ता कि नहीं जुड़ता। सारा सवाल का जवाब है हमारे पास, बिल्कुल आपको मिलेगा अगली स्लाइड, अगले क्वेश्चन में हम आपको बिल्कुल दिखाने वाले हैं उसको हमें कैसे हैंडल करना है। चलिए उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो आप चाहते थे वही मैंने दे दिया, आपके मन में कुछ भी बचेगा नहीं। जैसे कृष्ण भगवान ने भगवद गीता का उपदेश दिया था ना, तो अर्जुन को सारा भ्रम दूर हो गया था, तो वैसे ही पूरी क्लास अगर आप ले लेंगे तो कैलेंडर आपको भ्रम एकदम दूर हो जाएगा। और अभी जब मिसलेनियस में पढ़ाएंगे
तो ऐसी ऐसी उसमें जैसे आप फिर से उसी दिन अपना सालगिरह या वर्षगांठ कब मना पाएंगे, यानी कि दिन सब कुछ बताएंगे जो आपके जीवन में भी काफ़ी उपयोगी होगा। कैलेंडर मतलब आपके जीवन में भी काफ़ी उपयोगी होता है, उस दिन को आप स्पेशल सेलिब्रेट करेंगे। आगे आने वाले स्लाइड में हम आपको बताएंगे, अभी आप वन बाय वन करते हुए चलिए। चलिए 26/1/1912 को शुक्रवार है, तो 26/1/2019 को क्या होगा? तो पहले आप अंतर निकाल लीजिए, कितने का अंतर आ रहा है 2019 और 1912, यहाँ पे 7, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, यानी कि 107 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट्स करते रहा करिए, कोई डाउट्स हो, कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो आप बिल्कुल बताइए हमें कि हाँ सर ये दिक्कत है। सामान्य वर्ष हमने जोड़ लिया। अब देखिए बात यहाँ पे लीप वर्ष की सिर्फ पड़ रही है कि लीप वर्ष इसके आगे का लें कि यही वाला लें। ठीक है, अब इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपके रूल जो है कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोचिए कोविड की वजह से कितना फ़ायदा हो रहा है। आप जब आपको नहीं समझ में आ रहा है वीडियो पलट के देख लीजिए, टीचर आपको दोबारा बताने लगेगा। नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ मेहनत करने की ज़रूरत है, कान खोल के रखना पड़ेगा। और हम आपको एक एडवाइस और दे रहे हैं कि अगर आप जब आप वीडियो देखते हैं तो कान में ईयरफोन लगा के रखा करिए, चूँकि उससे बाहर का वातावरण नहीं सुनाई पड़ता है, ध्यान भटकता नहीं है। तो अगर आप पूरा फोकस करोगे ना तो बिल्कुल समझ में आने वाला है, कुछ भी नहीं है जो समझ में नहीं आएगा। चलिए यहाँ पे 107 साल हो गया। अब देखिए मैंने लिख दिया है कि लीप वर्ष हमेशा आगे के वर्ष से लिया जाता है, यदि दिया हुआ वर्ष लीप वर्ष है जैसे कि ये है, लेकिन फरवरी का महीना बीत चुका हो तो वह लीप वर्ष साधारण वर्ष की तरह काम करेगा। अब इसमें बताइए फरवरी दूसरे महीने में पड़ती है, लेकिन ये तो पहला ही महीना है, तो अभी लीप वर्ष बीता नहीं है इसमें ये 2012 में 1912 में 1912 में ये अभी पहला महीना है, बीता नहीं है। अब क्या कह रहा है कि लेकिन हाँ परंतु यदि ना बीता हो तो वह लीप वर्ष की तरह ही काम करेगा, यानी कि उसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर फरवरी का महीना नहीं बीता है तो बीत गया है तो आगे जाना पड़ेगा। अभी मैं उस पर भी चलूँगा, एक क्वेश्चन में उस पर भी चलूँगा अभी। तो यहाँ पे आप लोग लीप वर्ष देख लीजिए कितना पड़ेगा, 2020 है 1912, 19 के बाद 20 पड़ेगा, इसमें तो आपको करना पड़ेगा, और 1912 को 1912 ही लिख दे रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी लीप वर्ष है। अब इसमें घटा लीजिए 8 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, इसको 4 से डिवाइड करिए, 4 × 2 = 8 27 आ गया। अब इसको बस ऐड कर दीजिए 27, यहाँ पे 134 आ गया। अब इसको 7 से आपको डिवाइड भी करना होगा, क्योंकि 134 तो बहुत ज़्यादा है, 7 से जैसे ही ज़्यादा है हमें डिवाइड करना है। तो लिखना चाहें अगर कोई कॉपी में तो इसको आप नोट कर लीजिए, सामान्य वर्ष को अगर आपकी तारीख और मंथ सेम है, केवल वर्ष आपके इधर उधर हैं, तो आपको बस क्या करना है, सामान्य वर्ष का अंतर प्लस लीप वर्ष बराबर जो वैल्यू आएगी उसे डिवाइड कर देना है 7 से। ठीक है ना, तो आप लोग इसको जानते रहिए। तो यहाँ पे कितना शेषफल लग जाएगा करके देखिए, 7 × 1 = 7, 7 × 6 = 13, 64 हो गया, 7 × 9 = 63, यानी कि शेषफल 1 बचेगा। अब 1 बचेगा तो इसमें सीधा आपको प्लस कर देना है, शुक्र से क्या हो गया शनिवार, बस यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करिए, आप लोग कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए, समझ में आ रहा है तो, नहीं समझ में आ रहा है तो, क्योंकि आपके लिए वीडियो है, सब कुछ आपकी आप ही के लिए मेहनत किया जा रहा है, सारे टीचर चाहते हैं कि आप लोग यहाँ से सेलेक्ट होके जाएं इस प्लेटफॉर्म पर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब एक और क्वेश्चन है, ठीक है इसको थोड़ा बना लेते हैं, अभी ये नहीं आएगा नेक्स्ट में आएगा, क्योंकि डाटा जैसे ही गलत होता है तो सारी चीज़ें गलत वलत होने लगती है, डाटा बिल्कुल साफ रहना चाहिए। अभी यहाँ पे हम लोग डील करते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले तो सामान्य वर्ष जोड़ लीजिए कितना हो रहा है, 2019 से घटा दीजिए
और जो लोग पुराने हैं ट्राई करते रहिए, आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो जब बाद में आएगा तो पॉज करके ट्राई करिएगा, और अगर प्रीमियम में जुड़े हैं लाइव भी थोड़ी देर अगर वहाँ पे चल रहा है आप उस समय मौजूद हैं तो बिल्कुल आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं जितना देर, इसीलिए मैं आपको समय दे रहा हूँ पूरा का पूरा। 1912 यहाँ पे डिफरेंस ले लीजिए, 7 यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, ठीक है? कोई डाउट हो तो बताइए। 107 आ गया सामान्य। अब लीप वर्ष की बात पड़ रही है, लीप वर्ष देखो, अब इसमें यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है 2019 के बाद तो 2020, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है लीप वर्ष के लिए, क्योंकि वो लीप वर्ष नहीं था हमने अगला ले लिया। लेकिन देखिए 14/4/1912 ये तो भाई 4 से डिवाइड है। अब पिछले वाले में हमने ले लिया था, क्या इसमें भी ले लेंगे 1912? जरा ध्यान दीजिएगा, फरवरी आती है दूसरे महीने में और ये है चौथा महीना, तो फरवरी बीत गया ना। और पिछले वाले में ही आपने रूल पढ़ा था कि अगर निकल चुका है फरवरी तो फिर वो साधारण वर्ष की तरह हो जाएगा। इसका मतलब 2012 के बाद 2016 लेना पड़ेगा, ठीक है ना? तो अंतर ले लीजिए आप लोग, कितना आएगा यहाँ पे 1912, 1920 और 1916। अब यहाँ पे देखिए 4 और 1, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 1 में से 1 0, ठीक है? और यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताते रहिए, ठीक है? कमेंट्स करते रहा करिए। अब यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दीजिए, सही है यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा शेषफल, कितना आएगा इसमें, सॉरी कितना कट जाएगा, कितनी बार जाएगा? 4 × 2 = 8, 4 × 6 = 24, 26 बार जा रहा है, तो 26 यहाँ पे ऐड कर दीजिए, 7 × 6 = 13, 2 × 1 = 3 और यहाँ पे 1, करते रहिए आप लोग कैलकुलेट करते रहिए। अगर कोई यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो कमेंट्स में आप बताइए। 2020 से 1916 104 सही है कि नहीं, कमेंट करते रहिए आप लोग। 10 में से 6 गए 4 और यहाँ पे 1 में से 1 गया 0 और यहाँ पे 10 में से 9 गए 1 कट, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पे 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा शेषफल, 7 × 1 = 7, 6 × 13, 7 × 9 = 63, पूरा का पूरा 0 हो जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे वही दिन आ जाएगा। लेकिन देखते रहिए, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आती है तो आप लोग यहाँ पे कमेंट्स करते रहें। 9 में से 2 गया 7 और 1 में से 1 गया 0, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे वही दिन आ जाएगा, ठीक है? समझ गए होंगे आप लोग। अगर यहाँ पे कोई शेषफल आता तो हम लोग लिखते, लेकिन शेषफल आया नहीं है तो हम लोग लिखेंगे नहीं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा और क्लियर करा देते हैं। इसमें अभी हम केवल कैलेंडर में सिर्फ ईयर को चेंज करा रहे हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं सिर्फ आपको वो सिखाने के लिए, कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, कोई डाउट ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? चलिए अब देखिए, थोड़ा सा लंबा टाइम है ये, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ समान है। पहले तो आप लोग सामान्य वर्ष निकाल लेंगे, सामान्य वर्ष कितने होंगे, 2525, 2019, यहाँ पे 15 में से 9 गए 6 और यहाँ पे आपका 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो ही जाएगा और ये कट जाएगा, 506 वर्ष, समझ रहे हैं? 15 में से 9 गए 6, 1 में से 1 गया 0, चूँकि यहाँ पे हमने उधार लिया था, और ये 5 ऐसे ही उतर जाएगा। कोई डाउट हो तो बताइएगा।
यहाँ पे आपके 506 वर्ष लग गए। अब लीप ईयर कैसे निकालोगे? लीप ईयर भी हो जाएगा क्योंकि 2019 के बाद 2020 और 2525 के बाद 2528। तो आप लोग करिए यहाँ पे 8, दो में से दो गया जीरो और यहाँ पे ये 5 उतर जाएगा ऐसे ही, ठीक है 508 आ गया। अब इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 127 आ गया। अब क्या इसमें 127 ऐड करें? आप लोग फट से ऐड कर दोगे, कर दोगे ना, लेकिन ये नहीं करना है। अब क्यों नहीं करना है उसको भी जरा समझ लीजिए। अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें लीप वर्ष आपका 100 लीप वर्ष मतलब समझ रहे हैं, शताब्दी वर्ष जो थे या तो 100 से कम थे, यानी कि सेम शताब्दी का कैलेंडर था, और था भी तो मान लीजिए एक आत में 100 साल का अंतर आया भी तो वो भी लीप वर्ष था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई काउंट करने में। लेकिन यहाँ दिक्कत कैसे हो रही जरा समझिए, ये 506 यानी कि 5 सेंचुरी की बात है, 5 सेंचुरी आगे निकल गए, अब कौन सी सेंचुरी लीप है कि नहीं है अब ये समझना है। 127 तो हमने गिना दिया आपको, लेकिन जरा समझिए 2020 के बाद 2100 सेंचुरी पड़ेगी, फिर 2200 पड़ेगा, फिर 2300 पड़ेगा, फिर 2400 पड़ेगा, फिर 2500 पड़ेगा, ठीक है। अब ये बताइए कि इसमें से कितना जो है लीप वर्ष है। लीप वर्ष की परिभाषा हमने शताब्दी वर्ष में बता दिया था, क्या बताया था कि जो 400 से कट जाए वही लीप वर्ष शताब्दी वर्ष माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जरा, सिर्फ 2400 को छोड़कर ये आपके नहीं हो रहे हैं, ये भी नहीं हो रहा है, यानी कि चार ऐसे शताब्दी वर्ष हैं जो 400 से नहीं कटेंगे, ना तो 2100 कट रहा है, ना 2200 कटेगा, ना 2300 कटेगा, ना 2500 कटेगा। तो ये 127 नहीं लेना है, -4 123 लेना है, समझ गए होंगे बात को हमारी। अब यही गलती आप एग्ज़ाम में करते तो यहाँ पे मैं मिटा के लिख दे रहा हूँ, अब यहाँ पे ये गलती आप नहीं करेंगे, समझ गए ना। लीप वर्ष अगर आपका 200-300 साल का अंतर है तो शताब्दी वर्ष को ध्यान जरूर देना है। अगर उसी वर्ष का उसी शताब्दी का कैलेंडर है 100 साल के अंदर है तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब इसको ऐड कर दीजिए, 639251 6 और इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 7 56 56 4 2 6 7 9 63 63 6 69, भाग दे के देख लेते हैं कोई डाउट ना रहे, 7 से 7 8 56 यहाँ पे 4 2 6 9 7 9 63 बिल्कुल यहाँ पे सही है, 6 आएगा। कोई डाउट हो तो बताते चलिएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा ज़रूर है लेकिन हमने क्या कहा, छोटा सवाल से लेकर बड़ा सवाल, यानी कि कैलेंडर में कुछ बचना नहीं है, पूरा का पूरा हमारा कॉन्सेप्ट यही है। अब ये 6 दिन आप प्लस कर देंगे तो उसके एक दिन का जस्ट पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बृहस्पति आ जाएगा, तो यहाँ पे आप बृहस्पति लिखेंगे, शुक्र के पहले एक दिन बृहस्पति आता है, 7 दिन करेंगे तो वही दिन आ जाएगा, सिंपल सा फंडा है, समझ में आ गया होगा। और उम्मीद करते हैं कि आप अब कैलेंडर का ये जितना हमने पढ़ाया है समझ चुके होंगे, और समझते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए आज हम लोग चेंज इन डेट मंथ ईयर ख़त्म करके ही आगे चलेंगे, ताकि आपको अगली बार से मिसलेनियस नहीं, डायरेक्ट डे बचेगा, उसके बाद मिसलेनियस पे आ जाएंगे। तो हमारे साथ आप लोग एकदम जुड़िए, आप जैसे ही 2 मिनट आप छोड़ देते हैं तो समझ लीजिए एक आपका सिलेक्शन रुक गया, क्योंकि वहीं से हो सकता है क्वेश्चन आ जाए और आप फेल हो जाए।
तो आप सब कुछ कॉन्सेप्ट समझते चलिएगा। चलिए, एक सवाल मैंने ले लिया है कि अगर आपका सब कुछ परिवर्तित है तो अभी आप लोग कमेंट करेंगे या करते तो ये भी कहते कि सर आपने लिखा है चेंज इन डेट मंथ एंड ईयर और आप केवल ईयर ही ईयर चेंज करा रहे हैं, ये तो आप चेंज ही नहीं कराए। तो हमने कहा कि चलिए हम आपको पूरा का पूरा चेंज करके ही दे देते हैं, ठीक है। कैसे करना है इसको, जो अभी हमने ईयर वाली अप्रोच बताई है और जो चेंज इन डेट एंड मंथ, उसी दोनों को मिला देना है। अब कैसे करेंगे ज़रा सा समझ लेते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि सर इससे अच्छा तो आप लोग जो फार्मूला होता है उस पर बता दें। अरे भैया उसमें काफ़ी एक्सेप्शन है, और अगर एक डिजिट भी आपका भूल गया 633 516 214 रटते है, ये नहीं आप ये मत लिख लेना। एक बात बता रहे हैं कि 10 डिजिट आपको रटते एक डिजिट भूल गया, आखिर उसमें भी तो कुछ ना कुछ प्रक्रिया करनी पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट आ जाएगा। तो आप लोग इसी से सीखिए, फार्मूले के भरोसे मत रहिए। अब देखिए यहाँ पे 5/9/2018 को शुक्रवार है, तो 18/11/2029 को क्या होगा समझते हैं। पहले क्या काम करेंगे, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ईयर कितना है, सीधा सिंपल सा ईयर कितना है। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो ये दिन लिखा हुआ है 5/9/2018, अब आपको पकड़ के रखना है इसी कैलेंडर को, यानी कि कम वाले को पकड़ के रखना है। अब बेस सीधा कम वाले को ही मानना है, चाहे आगे का कैलेंडर हो चाहे पीछे का कैलेंडर हो। इतना ध्यान रखिएगा कि बेस हमेशा कम वाला कैलेंडर होता है। तो 2018 को हमने पकड़ के रखा। अब पहले ये वाले कैलेंडर को 18/11/2029 इसको हम लोग ले आते हैं इस फॉर्म में, यानी कि पहले हम लोग इसको बना देते हैं डेट और मंथ को समान, लेकिन ये हम कहाँ गिनेंगे, 2029 तक गिनेंगे, यहाँ तक गिनने वाले। अब देखिए, अब ये सवाल आपका पहले वाला बना कि नहीं बना, हमें लगता है कि कोई दिक्कत अब आपको नहीं हो रही होगी। पहले वाला बन गया है आपका पूरा का पूरा सवाल, अब इसे आप आराम से कर लीजिए। यहाँ से यहाँ आ जाइए, जो अभी आप समझ रहे थे हमने डेट केवल इस डेट के बराबर ये वाली डेट कर दी, इसमें से अभी जो बचा हुआ है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। अभी हमने 5/9/2029 तक कैलकुलेट कर लिया, 18/11/2029 जाना है वो हम अभी डेट एंड मंथ वाला जो हमने सीखा है अप्रोच उससे करेंगे। पहले हमने सीधा ईयर निकालना सीख लिया है यहाँ पे। चलिए 18 से 29 का कितना ईयर है आप लोग जवानी बता सकते हैं, ज़्यादा इसमें डिफरेंस इसीलिए मैंने नहीं दिया है। तो यहाँ पे 11 साल का अंतर है, ठीक है। लीप वर्ष आप अंगुलियों पे भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे 2000 जो रूल सीखे हैं 2020 से 2032 कितना का है, 12 का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे रिमाइंडर 3, शेषफल 3। और अगर आप वैसे गिनना चाहें ओरली तो 2020 एक हो गया, 2024 दो हो गया, 2028 तीन हो गया, तीन ही आपके लीप वर्ष हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या किया 14, और जैसे ही 14 हुआ पूरा का पूरा कट के 0 आ गया, इसमें तो कुछ बचा नहीं, बचा होता तो यहाँ हम नोट कर लेते, मान लीजिए एक बचता तो एक यहाँ पे हम नोट कर लेते, लेकिन बचा नहीं तो 0 ही नोट कर लेते हैं ताकि बाद में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। मान लीजिए कोई डिजिट होता तो उसको भी कैसे लगाते। अब 0 हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब देखिए आगे अब आपको क्या करना है, आपने कहाँ तक हिसाब किताब निकाला है, 5/9/2029 तक हम लिख दे रहे हैं, जो हमने निकाला है 5/9/2029 हमने यहाँ तक का निकाल लिया है। ये तो आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, एग्ज़ाम में आप बिल्कुल वहीं से फटाफट करेंगे, और ऐसे सवाल अगर आते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, हमें लगता है कि उसमें 10-15% विद्यार्थी ही कर पाएंगे उसको। 5/9/2029, अब आगे की तारीख हमें जाना है यहाँ पे 18/11/2029 तक। देखिए अब आपका चेंज इन डेट मंथ, चेंज इन डेट एंड मंथ वाला बन गया कि नहीं बन गया, बना कि नहीं बना, यस और नो, बन गया भाई, सीधी सी बात है। अब करिए इसको कैसे करेंगे, सिखाया है मैंने,
कम से ज़्यादा, बस आप कम से ज़्यादा पकड़ के रखिए, बस आपको कुछ भूलेगा नहीं, कम से ज़्यादा। तो यहाँ ज़रा देखिए, नौवां महीना 5 दिन बीता है जो हम सीखते आए हैं, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर 30 का, तो 5 दिन बीत गया, तो कितना बचेगा? 25 दिन बचेगा। 25 को 7 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना बचेगा? देखो भाई, थोड़ा सा यहाँ पे आपको एडवांस बनना पड़ेगा, 4। तो यानी कि नौवें महीने में हमारा कैलकुलेशन बचा 4 दिन का। उसके बाद दसवां हमारा क्या होता है? अक्टूबर। और अक्टूबर तो आपको पता ही है कितने का होता है, 31 का होता है। तो 31 में शेषफल लगाएंगे 3। और उसके बाद फिर जो है हमारा नवंबर आ रहा है। नवंबर में पूरा मंथ है नहीं हमारे पास, कितना दिन है? सिर्फ 18 दिनों का कैलकुलेशन। तो 18 को हम लोग ओरली भी भाग दे दें 7 से, तो कितना जाएगा? 7 × 2 = 14, 4 बचा, तो 4 यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए। अच्छा, पूरा कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे यहाँ पे 4 × 3 = 7, 7 का मल्टीपल हो गया, काट दीजिए आप लोग, जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 बचा, तो बस आपको इसी 4 को जो है यहाँ पे ऐड कर देना है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा था? मंगलवार, और 4 ये हो गया प्लस। अगर ये वाला जो कैलकुलेशन हमने ईयर वाला किया है, अगर यहाँ पे 0 बचना होता तो इसको भी हम ऐड करते, 1 होता 2 होता 6 तक कोई भी हो सकता था। तो यहाँ पे ये 0 था, हम इसको भी ऐड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा चूँकि वो 0 है। समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ पे 4 दिन आप इसमें ऐड कर देंगे मंगलवार में। जब आप 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, शनिवार हो जाएगा आपका जवाब। तो शनिवार जवाब हो गया, यहाँ पे हम इसको मिटा दे रहे हैं। तो मंगल में +4 जोड़ देंगे हम लोग, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? शनिवार, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा कमेंट्स में। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा सवाल आपसे बनेगा। और पीछे वाले में भी कैलेंडर में हम आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कराएंगे, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है। और पीछे वाले कैलेंडर में सिर्फ एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, कॉन्सेप्ट सेम टू सेम है, सिर्फ उसमें माइनस करना है, इसमें प्लस करना है। तो एक क्वेश्चन हम उसमें भी करवा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि ये आपका क्लियर हो जाए। अगले दिन से हम लोग जो शुरू करेंगे वो डायरेक्ट डे, उसके बाद मिसलेनियस पे चलेंगे समाप्ति की तरफ कैलेंडर के। चलिए अगला यहाँ पे पेज आपको दिखा देते हैं, पीछे की तारीख। जिनको जिन जो नए बच्चे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पुराने बच्चे भी स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें बस वही चीज़ मैंने लिखा है कि बेस हमेशा नीचे वाले को यानी कि कम वाले को मानना है। देखिए यहाँ पे वही चीज़ मैंने लिखा है, और अतिरिक्त दिन घटता है, ये तो आपको हम बता ही चुके हैं, सब कुछ बता रहे हैं क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में बता रहे हैं। तो पीछे के कैलेंडर में मिस्टेक आप लोग ना करिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दे दिया है, जो आप चाह रहे थे उसी क्वेश्चन को मैंने दिया है। मैंने डेट और मंथ समान नहीं किया है, अलग अलग किया है, ताकि एक सवाल और आप प्रैक्टिस कर लें अच्छे से। देखिए 5/9/2018 को शुक्रवार है, तो बताना है 11/7/2020 को क्या होगा, ठीक है। तो पहली बात तो आप लोग सामान्य वर्ष काउंट करना है, फिर लीप वर्ष काउंट करना है। तो इसमें आप देख लीजिए, यहाँ पे 5/9/2018 से अगर हम केवल ईयर, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसको कैलकुलेट जैसे पिछला हमने किया था कि बेस को लाके रख दिया था कम वाले को, उसके बाद सीधा सीधा उसको भी उसी डेट और ईयर पे रख दिया था, तब हमने काउंट किया था। क्या इसको भी वैसे करेंगे? बिल्कुल करेंगे, लेकिन हम इस बात का ध्यान देंगे कि बेस हमें ये नहीं मानना है, बेस हमें कम वाली डेट को मानना है। ये पीछे का कैलेंडर है, वो आगे था, उसमें कम वाला ऑलरेडी आगे था, लेकिन इसमें पीछे वाला कैलेंडर, देखिए आगे वाला कैलेंडर पीछे, यानी कि 2002 को बेस मानना है
और इसी बात को हमें ध्यान रखना है और कुछ नहीं। पीछे वाले कैलेंडर में मंथ और डेट एंड मंथ में भी हमने देखा था कि हम बाद वाले कैलेंडर को से कैलकुलेशन करते थे, तो बस वही पकड़ के रखना है। चलिए इसको हम मिटा के अब सीधा उसी कैलकुलेशन पे चलते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, पहले इसमें हम सीधा सीधा आपका यही वाला कैलेंडर ले लेते हैं, 11/7/2002। ठीक है, हमने सिर्फ और सिर्फ बेस वाले कम वाले कैलेंडर को पहले लिखा और कुछ भी रॉकेट साइंस का इस्तेमाल नहीं किया है। इतने तो आपको बात समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि इसी के पैरेलल यानी कि इसी के बराबर, पहले तो हम डेट और मंथ को एकदम बराबर लिख दे रहे हैं, उसके बाद इसको 2018 तक हम ले आएंगे, यानी कि 9वां महीना तक हमें जाना है। हम पहले 7 महीने का हिसाब बराबर करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2018। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करिए, पहले वाला कैलेंडर आपका बन चुका है, जो मैंने पहले पढ़ाया है वही कैलेंडर आपका बन चुका है। अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसको आप ओरली भी गिन सकते हो भाई। 2004 से 2020 लीप वर्ष इसमें लगेगा 16, दो के बाद चौथा 4 आता है लीप वर्ष, 18 के बाद 20 आता है। और अगर आप ओरली भी काउंट करना चाहें तो ज़्यादा का अंतर नहीं है, ओरली भी काउंट कर सकते हैं। तो 16 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4, यानी कि 4 आपके क्या आ गए, लीप वर्ष आ गए। और सामान्य वर्ष की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 और 4 लीप वर्ष 20 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर कितना आया 6 का। अब इसको यहाँ पे ध्यान दिए रहना 6 का। अब चाहो तो आप डायरेक्ट भी गिन सकते हो, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, अब फिर से मंथ वाला फॉर्मेट हम बना दे रहे हैं, चूँकि हिसाब हमने 7वें महीना का किया है, 9वां महीना जाना है, तो हम लोग पुराना कैलेंडर बना दे रहे हैं। चलिए जैसा आप चाहते थे, ये डेट हमें चाहिए और इस दिन क्या है, शुक्रवार, ठीक है, ये डेट चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर ये वाला जहां तक कैलकुलेट किया हमने 11/7/2018, अब देखिए बैक चेंज इन डेट एंड मंथ वाले में पीछे वाला कैलेंडर बन गया है, पीछे वाला कैलेंडर बन गया है। अब आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, अब आपको कम वाले से ज़्यादा वाले पे जाना है, जो चेंज इन डेट एंड मंथ में आपने सीखा था पीछे वाले कैलेंडर में। बेस आपको सीधा कम वाला रखना है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कंफ्यूज नहीं करना है, कम वाले को पकड़ के रखिए, चाहे वो आगे का कैलेंडर हो या पीछे का, कम वाले से ज़्यादा की तरफ जाना है आपको। अब पीछे का कैलेंडर है इसलिए हम कम वाले पे गए और वहाँ से पूरा कैलकुलेट करना है। उसके बाद अब जैसा हम पहले करते थे, 7वां महीना हमारा 11 दिन बीत चुका है, तो कितना बचा है, 31 में अगर हम 11 घटा देते हैं तो 20 दिन बचेगा। अब इसमें 7 से भाग भी दे देंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6 दिन का आ जाएगा। उसके बाद 7वें महीने का हिसाब ख़त्म, 8वां हमारा 31 दिन का होता है, हमने आपको पहले ही बता रखा है 31 मतलब 3, चूँकि 7 से भाग दोगे तो 3 ही शेषफल बचेगा, ठीक है। आपका अगस्त भी ख़त्म हो गया। अब इसके बाद सितंबर में हमें सिर्फ 5 दिन चाहिए, पूरा का पूरा मंथ से कोई मतलब नहीं, सिर्फ 5 दिन। अब इस 5 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे जो कि हम पहले करते आए हैं, अभी पूरा सवाल ख़त्म नहीं हुआ है। अब जो हमने ईयर वाले कैलकुलेशन किए थे, इसमें 6 दिन ये बचा है, उसमें हमने 0 ऐड किया था, आपको बताया था कि 0 की वैल्यू नहीं थी इसलिए ज़्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन इसमें हम इस 6 को भी यहाँ लिख लेते हैं, इसका ध्यान रखना है, इसको हमें छोड़ना नहीं है। तो अब ज़रा जोड़िए, 6 3 9 9 5 14, ये पूरा का पूरा कट गया, अब यही आपका 6 आपके पास बच रहा है। तो बस अब 6 को प्लस करना है या माइनस, आप अच्छी तरह से जानते हैं, अगर शुक्रवार है और ये है पीछे वाला कैलेंडर तो 6 आप माइनस कर देंगे, और माइनस करेंगे तो एक आगे ले लेंगे तो आपको गिनना नहीं पड़ेगा। शुक्रवार में 6 घटाएंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसको मिटा दे रहे हैं ताकि आप स्पष्ट देख पाओ, अगर 6 घटा देंगे तो यहाँ पे एक उसके आगे वाला यानी कि शुक्र के बाद शनिवार, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो शनिवार हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, और कमेंट्स आप लोग ज़रूर करके बताइए क्लास कैसी लगी आपको,
और नेक्स्ट सेशन में बिल्कुल हम आपको कैलेंडर का निचोड़ बताएंगे, जो भी टॉपिक हम वहाँ पे आपको पढ़ाएंगे, ये समझिए कि आप ऑफलाइन से भी ज़्यादा जानकारी उसमें आपको मिलेगी। और इसको आप एक बार नहीं 10 बार देख सकते हैं, लेकिन अपने तक सीमित मत रखिए। इसको आप शेयर जितना करेंगे ना, आपके दोस्त भी लाभान्वित होंगे और आपको शुक्रिया कहेंगे, और हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारे पास व्यूअर बढ़ेंगे और आप लोग अपने विचार रखेंगे, तो जो कमियां होंगी उसको ज़रूर दूर किया जाएगा। लेकिन आप ज़्यादातर कोशिश हमारी यही रहती है कि आपको सब कुछ सिखाते हुए चलें, कोई कमी ना आए। तो अगली स्लाइड में हम लोग कैलेंडर का अगला टॉपिक पढ़ेंगे और आई थिंक 1 या 2 क्लास में आपकी कंप्लीट करा देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, और आप लोग पढ़ते रहिए और कोविड से बचे भी रहिए। धन्यवाद।